नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज देश में एक बहुत ही अहम पद के लिए वोटिंग हुई। वो पद देश का सबसे सर्वोच्चम पद है और उस पद के लिए दो मजबूत कैंडिडेट्स भी उतारे गए थे। इन दोनों ही पदों के लिए देश के अलग अलग जगहों से माननीयों ने आज अपना वोट डाला और प्रयास ये रहा कि एक बार फिर से देश के लोकतंत्र की तस्वीर खूबसूरत की जाए। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बात करी जाए या फिर यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा की बात करी जाए, दोनों ही ने पूरी चुनाव की बेहतर तैयारी की थी, अलग अलग राज्यों में जाकर के राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, जनता तक अपना संदेश पहुंचाया था और आज वो समय आ गया था जब ये वोटिंग होनी थी। वोटिंग हुई भी शाम तक सही तरीके से, बड़े पैमाने पर लगभग सभी माननीयों ने वोट भी दिया और उसके बाद अब नतीजा 21 तारीख को आना है। बताया जा रहा है कि इस वोटिंग में और इस चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, एनडीए की जो कैंडिडेट हैं, वो यूपीए के कैंडिडेट पर ज़्यादा हावी दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश के करीब 27 दलों ने एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया है और 14 ऐसे दल हैं जिन्होंने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया है जो कि यूपीए के प्रत्याशी थे। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर आज वोटिंग हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी वोट डाला और सभी दिग्गजों ने, सभी मौजूदा विधायकों ने वोट डाला। इसके अलावा अगर बात करी जाए नतीजों की तो नतीजे तो 21 तारीख को आएंगे, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल के हम अनुमान देखें तो ये साफ साबित हो रहा है कि इस बार भी एनडीए की ये जो प्रत्याशी हैं ये जीत दर्ज कर लेंगे, क्योंकि यूपीए के प्रत्याशी को सपोर्ट जो है वो मिला तो है लेकिन कई राज्यों में नहीं मिला है और उसी का ही जो फायदा है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आदिवासी कैंडिडेट के रूप में सामने आई द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि 21 तारीख के बाद से देश में आदिवासियों की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी, उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा, उनकी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों पर जो कागजी कार्रवाइयां हैं उन कागजी कार्रवाइयों को होने के बाद उन्हें जमीन पर उतारने का भी प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनके बीच की कोई नेता देश की राष्ट्रपति बन के सामने आएंगी। फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने एक तरफ होकर के यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी के रूप में माना था और उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया एक एक करके सभी विपक्षी दल अलग होते गए। समाजवादी पार्टी के साथ उनके कुछ दलों ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट जरूर किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके अलावा अगर हम सुभाषपा की बात करें जो कि इस वक्त गठबंधन में सबसे मजबूत साथी हैं, उन्होंने अलग हो करके एनडीए के प्रत्याशी को वोट दिया। इसके अलावा बसपा ने पहले ही बोल दिया था कि हम एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे, सपोर्ट देंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी के कुछ वोटर्स की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव, शर्जिल इस्लाम, ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की है। तो कुल मिलाकर ये साफ साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश से जो राजनीति तय होती है उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश इस बार एनडीए की प्रत्याशी को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहती है और इसी क्रम में कहीं ना कहीं जो विधायक हैं अलग अलग राजनीतिक दलों ने, उन्होंने बड़े पैमाने पर एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट किया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी का कुनबा क्यों खिसका हुआ नजर आया, क्यों उनके खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई, उनके साथियों ने क्यों अलग हट करके विपक्षी दल के प्रत्याशी को सपोर्ट किया, क्यों समाजवादी पार्टी अकेली रह गई और अब आगे नतीजे क्या कहते हैं। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू। आम सहमति से चुनाव हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, आम सहमति से चुनाव करें, इस पद को विभाजित न बनाए। और फिर हमने तो इसलिए भी सपोर्ट नहीं किया है जो नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग को प्रत्याशी बनाया गया है, न तो नेताजी से सुझाव लिया है। तो फिर जो कट्टर समाजवादी के लोग हैं, नेताजी को आदर्श
सुपचनने वाले लोग हैं, कभी नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने द्रौपदी जी को वोट दे दिया है, सपोर्ट किया है। हम पांचों विधायक कमी आ रहे हैं 5 मिनट के अंदर। हम लोग यहाँ से 9:30 बजे निकलेंगे और चलेंगे और द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। और 21 तारीख को जब गिनती होगी तो जो विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग हैं, जब विपक्ष को ही एकजुट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे जीतेंगे। आज कम से कम 1248 वोट हमारे पास है ना। एक विधायक के वोट की कीमत 208 है। तो 1248 वोट की जरूरत नहीं है विपक्ष को उत्तर प्रदेश में। ये सोचने वाली बात है। ये लड़ रहे हैं जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। और कन्नौज में जो घटना हुई है वो बीजेपी के लोग शामिल हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हैं उसमें। और जो सूचना मिल रही है जिसने धार्मिक स्थानों पर मांस फेंका है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी एक धर्म के लोगों की दुकानें जला दी। डीएमएसपी क्या कर रहे थे? क्या डीएमएसपी को टर्मिनेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अभी हटा दिया गया है, फिर बहाल करके कहीं अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। दी है कि बीजेपी के लोगों ने ट्रेन किए हैं, कुछ ऐसे लोग ट्रेन करके जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा सके। अगर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने। आखिरकार इतना बड़ा इनके पास अधिकारियों का और इंटेलिजेंस का, इतने बड़े लोग हैं, आखिरकार क्या कर रहे थे वो? देखिए, मैं ये मानती हूँ शिवपाल जी का ये कथन उनका व्यक्तिगत कथन है, इस कथन पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व है वो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चुनाव इस देश के प्रथम नागरिक के लिए है जो देश को आगे सफलता के बहुत बड़े आयाम तक ले जा सकता है। और ऐसे में यदि मुझे अपना भी उसमें पार्ट देना है तो मैंने पूरा सोच विचार करके उसमें अपना सहयोग किया है। सी, हाउ कैन यू से क्या ये बेहतर नहीं होता? अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं किसी और को सपोर्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ माय वोट एंड आई थिंक कि मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करूँगी जो इस देश को आगे ले जा सकता है। ये राष्ट्रपति चुनाव तकलीफ है, और जैसा कि हमने पहले कहा कि आज देश के सामने ऐसे संकट हैं, देश की अखंडता को खतरा है। और जो विपक्षी प्रत्याशी हैं आदरणीय सिन्हा जी, उनके जो बयान आए, उन्होंने कहा कि हम 370 हटाए जाने के विरोध में हैं, हम NRC के विरोध में हैं। तो हम शुरू से इन सब चीज़ों के पक्ष में रहे हैं। तो ये मुद्दों का चुनाव है। दूसरी बात, अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करने की जो बात की, बहुत से विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर, और हम सभी लोग जानते हैं कि इस पर व्हिप लागू नहीं होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है सभी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूबरू कराऊंगा दिवाकर सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ तारिक खान, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह अरकवंशी हमारे साथ SBSP से जुड़े हुए हैं। सत्यजीत अतवारा साहब हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं। और जनता संघर्ष मोर्चा से हमारे साथ सुभाष यादव जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सैयद तकी अहमद हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। अंतरात्मा की आवाज़ का बयान अभी आपने सुना कि ये जो वोटिंग है ये अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार ही करनी चाहिए। आपके भी कुछ विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली, क्रॉस वोटिंग कर दी उन लोगों ने। तारिक खान की आवाज़ नहीं मिल रही है, प्लीज़। तारिक भाई की आवाज नहीं मिल रही, कृपया सही किया जाए प्लीज, थोड़ा जल्दी से। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, बोलिए तारिक भाई, आ रही आवाज। आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसको समाजवादी, अगर क्रॉस वोटिंग की गई है तो उसको समाजवादी सीरियसली लेगी, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात की अगर अगर चुनाव में अंतरात्मा की आवाज कोई सुनना चाहता है तो भाई हमारे लिए भी सुन ले। हमारी तो सुबह ही जो कैंडिडेट थे हमारे, उन्होंने अनुरोध कर दिया था। नहीं, कैसे अंतरात्मा की आवाज सुने? आप लोगों ने उनके मुख की आवाज नहीं सुनी, आप कह रहे हैं कि आपके अंतरात्मा की आवाज को सुन ले। ऐसी बात, देखिए
ये वो कहते रहते हैं कि उन्होंने बुलाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ने सुबह ही अपील करनी थी कि हम भी भाजपा के ही अंग रहे हैं और हो सकता है कि अंडर द लाइन बहुत से भाजपा के लोग भी हमको वोट कर जाएं, क्योंकि भाई जो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, कई अधिकारिक पदों पर रहा है, हो सकता है उसको भी भाई, ये तो चुनाव है, गुप्त रूप से होता है, तो क्रॉस वोटिंग तो हो सकती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ हुई तो हमने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली, पार्टी ने कहा भी था कि इस तरीके की चीजें ना हो, क्योंकि भाई फिर रह क्या जाता है इस चीज का मतलब कि हमने कैंडिडेट का सपोर्ट किया। आप मानते हैं कि हुई है कि नहीं हुई है? नहीं नहीं, जब तक गिनती ना हो जाए, वो 208 वोट का वेटेज जो है वो कहां जाता है ये पता ना चल जाए, तब तक अभी कहना मुझे नहीं लगता कि हो पाई होगी, क्योंकि शिवपाल जी को हटाकर 210 विधायक थे हमारे। शिवपाल जी ने पहले ही कह दिया था कि हम वोट करेंगे मुर्मू जी को, क्योंकि भाई मुबारकबाद हमने कहा था अभी दे दे या बाद में दे दे उपाध्यक्ष वाली, अभी तक ये नहीं पता चला मुझे कि मुबारकबाद कब देनी है। कौन से उपाध्यक्ष की? अब विधानसभा उपाध्यक्ष बनने वाली मुबारकबाद कब दे दे, ये मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अच्छा, खैर ये चलिए, खैर जब बन जाएंगे तब दे दूंगा, वैसे अग्रिम अभी से दिए दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 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 शिवपाल साहब पे सवाल भी उठता है कि वो लोहिया का स्टूडेंट, राम मनोहर लोहिया का स्टूडेंट, जनेश्वर मिश्रा का स्टूडेंट, उसकी जो विचारधारा थी उस स्टूडेंट की, वो कैसे क्षणिक में उसकी विचारधारा राम मनोहर लोहिया और जेपी की और जनेश्वर मिश्र की जो विचारधारा थी उसको कैसे खत्म कर दिया जाता है? शिवपाल जी ने तो ये भी कहा है ना कि जिस व्यक्ति ने नेताजी का अपमान किया, जिसने मेरा अपमान किया, हम कैसे उसको वोट देते? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उन्होंने नेताजी का अपमान किया था, और आज जिनके लिए आप वोट कर रहे हैं, जिनकी आप अपने लिए तारीफ करवा रहे हैं, वही लोग जब आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब आपको कहते थे आप घोटालेबाज हो, आपसे बड़ा कोई घोटालेबाज ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये, और जिस स्कूल में आप पढ़े थे, देखिए स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक विचारधारा होती है, शिवपाल साहब उसी स्कूल में पढ़े हुए हैं जिस स्कूल में माननीय नेताजी थे। आप अपनी विचारधारा को बदलकर भाजपा के साथ नहीं, आप हमसे नाराज हो सकते हैं। आज मेरा सवाल सुभाषपा और शिवपाल साहब से एक ही है कि क्या आपके सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं था? मतलब आपको जाना ही जाना है बीजेपी के पास। अरे भाई आप कहीं ना जाए, हमसे नाराज है, इसका मतलब क्या है? आपके पास दो ही विकल्प है? नहीं, आपके पास तीन विकल्प है। पहला, या तो मेरे साथ रहे, या तो कहीं ना जाए, या बीजेपी में जाए। तो मनाया क्यों नहीं वाला विकल्प ही मिटा दिया? तो मनाना चाहिए था आपको। देखिए देखिए नितिन भाई, मैं अपना एक नया सवाल उठा रहा हूँ, एक ना कि हमने नहीं मनाया, हमने तो मान लिया इस बात को। मैंने भी कहा कि हाँ चलिए आपके पास फोन नहीं गया था, आप नाराज हैं, लेकिन आपकी विचारधारा का क्या हुआ? ओपी राजभर साहब की जो डिमांड थी कि ओबीसी का वर्गीकरण करें, कर दिया। राजभर समाज को एसटी में समायोजित कर दिया बीजेपी ने, जो आप उनके बनाए हुए कैंडिडेट का साथ देने चले गए। या कल से एसटी समाज सियोनी में, जो एसटी समाज के दो लोगों को लिंच कर दिया गया था, कल ही कानून बन जाएगा क्या? है, पूरे पांच साल कानून नहीं बनेगा। जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले लो। सत्यजीत अतवारा साहब हमारे साथ आसपास हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जी। ये दो तीन सवाल बन गए, एक तो अभी ये कुछ बधाई वधाई दे रहे थे तारिक खान उपाध्यक्ष बनने की विधानसभा में, पता नहीं किसको दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, शिवपाल जी का नाम कहीं वो ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर शिवपाल जी नाराज थे तो नाराजगी का मतलब ये थोड़ी ना कि वो बीजेपी के साथ ही चले जाएं या एनडीए के साथ ही चले जाएं। दूसरी चीज ये नहीं मान रहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है, कि क्रॉस वोटिंग हुई है कि नहीं? सर देखिए, ये मानते नहीं कोई चीज। जब घटना घटित हो जाती है तब इनके सामने आता है, तब उसको भी नहीं मानते। घटना घटित होने के बाद, और अभी जब 21 तारीख को मतगणना हो जाएगी तब भी ये नहीं मानेंगे। ये दरअसल हम बार बार इस बात को कहेंगे कि जिस तरीके का बयान ये दे रहे हैं, ये दुखद है। आदरणीय सुपाल सिंह जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया 1992 में, आदरणीय मुलायम सिंह यादव के साथ मिल करके उनको उपदेश देने बैठे हैं, इतने बड़े कद पे ना तो ये पहुंच जाएंगे क्या, ना मैं पहुंच पाऊंगा कि आदरणीय सुपाल सिंह यादव को उपदेश दिया जाए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव को उपदेश दिया जाए। क्या ये बताएंगे कि आज जिस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर आदरणीय अखिलेश यादव बैठे हैं, उस अध्यक्ष की कुर्सी को क्या जबरदस्ती माननीय मुलायम सिंह यादव से नहीं लिया गया? अगर ये कह दें कि नहीं लिया गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये बताएं। तो प्रश्न अगर आदरणीय सुपाल सिंह यादव पे उठाएंगे तो प्रश्न आदरणीय मुलायम सिंह यादव पे उठा रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ जी। दो भाइयों ने 1992 में समाजवादी पार्टी की जब नींव डाली
और विराट वृक्ष बनाया, तो क्या इनको इस बात का एहसास नहीं है कि कितना खून पसीना बहा होगा, कितनी तपस्या की होगी, कितनी लाठियां खाई होंगी, तब जाकर के संगठन खड़ा हुआ था। अब आज छोटे छोटे लोग आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को उपदेश देने की बात करते हैं तो मुझे तो शर्म आती है इन लोगों से बात करते। ये कह रहे हैं कि कोई और रास्ता चुन लेते, एनडीए ही क्या रास्ता था क्या उनके पास? कौन सा रास्ता चुनते? आप अपने पास से लोगों को भगाने का काम करते हो, आप बस के डंडे पर बैठाते हो, आप स्टार प्रचारक बनाते नहीं हो, आप गठबंधन की बात करके एक सीट देते हो, वो भी एक सीट अपनी पार्टी के संबल से देते हो, उसके बाद कहते हो कोई और रास्ता चुन लिया जाता। राज्य भर के लिए भी यही कहेंगे एक रास्ता चुन लिया जाता। मैं कहता हूं नितिन जी कि एक एक करके सभी लोग इनका साथ छोड़ देंगे और धरती जो है इनके नीचे से, जमीन के नीचे से धरती खिसक जाएगी, इनको पता तक नहीं चलेगा। ये सोए हुए लोग हैं और मैं बताना चाहूंगा कि सोए हुए लोग समाजवाद को आगे नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने एक बात और कही, इस समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, क्या उस समाजवादी विचारधारा की बात आप कर रहे हैं जो ममता पर आधारित हो, जो समत्व पर आधारित हो, जो ममत्व पर आधारित हो, जो ममता मूलक समाज की रचना की बात करता हो? क्या आप तथाकथित समाजवादियों की बात करोगे? मैं तथाकथित समाजवादियों की बात नहीं करता, जो ममत्व पर आधारित समता मूलक समाज की रचना की बात करता उस समाजवादी की बात करता हूँ। डॉक्टर लोहिया का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र जी का, इनका इनका अनुयायी, इनका इनके सही मायने में अनुयायी हम है, उस पथ पर चलने वाले हम लोग हैं। तो आप हमें उपदेश ना दो, आप अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांक करके पता लगाओ कि कहां गलती हो रही है। और फिर मैं एक शायरी के माध्यम से आपको कहूंगा, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता जी। तो आप अपने गिरेबान में पहले झांकिए, अपने को देखिए, अपने को समझिए, उसके बाद मुझे उपदेश दीजिए। ठीक, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। जेपी सिंह अरकवंशी हमारे साथ सुबह स्पष्ट है। अरकवंशी साहब, कुछ दिनों पहले आप लोग भाजपा से बड़ा नाराज थे, फिर विधानसभा चुनाव के समय आप लोगों ने अखिलेश यादव की काफी तारीफ की, आज आप लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दिया। तारिक खान कह रहे हैं कि क्या आपकी मांगे जब थी कि ओबीसी समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए या फिर राजभर समाज को एसटी में जोड़ा जाए, क्या ये सारी मांगे पूरी हो गई हैं? जो मांगे थी हमारी, उन्हीं को लेके हमने सत्ता में रहते हुए डेढ़ साल तक अथक संघर्ष किया कि उन मांगों को मान लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हमने डेढ़ साल बाद ही सत्ता को त्याग दिया था और विपक्ष में आ गए थे। और विपक्ष में रहते हुए हर हफ्ते लगभग हम लोगों ने डीएम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे पूरे प्रदेश के सभी जिलों में। तो ऐसा नहीं है कि हमने मांगों को छोड़ दिया है। दूसरी चीज ये कि अगर हम जनता ने हमारे 6 विधायक जिता के भेजे हैं तो हम उनका वोट का कहीं तो उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। अब वो सदुपयोग तो क्या यशवंत सिन्हा को वोट देते हैं या सपा के कैंडिडेट को वोट देते हैं, यूपीए के कैंडिडेट को वोट देते, तो क्या वो उपयोग में नहीं आता? नहीं, देखिए जहाँ तक वोट की जरूरत नहीं है, हमें बुलाया नहीं गया और दूसरे पक्ष ने हमें बुलाया और उस पक्ष ने ये भी कहा कि इनको वोट दीजिए। खुद जो उम्मीदवार थी राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने खुद बुलाया और खुद कहा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके बाद गृह मंत्री जी ने बुला के कहा कि आपके वोट की जरूरत है। और हम हमेशा से राजनीति दलितों पिछड़ों चुनाव के समय पे अखिलेश यादव आपको बहुत फायर ब्रांड नेता दिखे थे, बहुत अच्छे नेता दिखे थे, उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर बदल सकते हैं अखिलेश यादव, ऐसा आपके नेता कहते थे। हो सकता है, क्या कारण क्या रहा कि आप लोग उधर चले गए? नहीं, हो सकता है बदल सकते हैं, लेकिन अभी बदलने वाली स्थिति में नहीं है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, जो आप कारण पूछ रहे हैं, मैं कारण बता देता हूं। 7 तारीख को यशवंत सिन्हा जी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनकी एक मीटिंग फिक्स हुई थी सुबह 10 बजे लखनऊ में सपा कार्यालय पर। आप लोग को नहीं और बुलाया गया था। हमको 5 तारीख को बोला गया कि आपको आना है, ऐसे ऐसे ये मीटिंग रखी गई है। 6 तारीख को फोन आता है कि ऐसी कोई मीटिंग रखी जो गई थी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और अभी मीटिंग को कैंसिल मान लीजिए, तो वो कैंसिल हो गई हमारी तरफ से। जबकि रात भर में आपके खिलाफ नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ, 6 तारीख को हमें मना कर दिया गया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। 7 तारीख को आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि शाम को मीटिंग हुई थी 7 तारीख को,
उसमें हमारे दूसरे सहयोगी दल को बुलाया गया था और हमें नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पे वो अंतर आया कि जब हमसे वोट मांगा ही नहीं गया, ना राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी ने मांगा, ना हमारे साथी दल ने मांगा, तो दूसरी पार्टी ने मतलब भाजपा ने तुरंत अगले दिन हमें फोन करके द्रौपदी जी की इच्छा से अवगत कराया। तो हम डिनर पार्टी में गए, वहां उन्होंने चुनावों में वोट देने के लिए कहा, तो वहां पे हमने हामी भरी और वहां पे दिया। और हम आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो हो ना हो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ता भी है। जो हमारे लोग हैं जिन्होंने 6 विधायक जिताकर भेजे हैं, उनकी भी यही अपेक्षा है कि माननीय द्रौपदी जी राष्ट्रपति पद के सिंहासन पर बैठे। ठीक है, ठीक, मैं आऊंगा। सही तकी हमारे साथ हैं। तकी भाई, आप लोग की अंतरात्मा क्यों नहीं जागी? सबकी तो जाग गई, सबने एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दिया, आप लोग की नहीं जागी? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से बहुत क्लियर थी कि हम लोग राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा जी का सपोर्ट करेंगे। और यशवंत सिन्हा जी हमारे कैंडिडेट थे और हमने उन्हीं को सपोर्ट करने का बाद में ऐलान किया। और सारे लोग हमारे इतने भी राज्यसभा के मेंबर हैं, इतने भी हमारे जो वो हैं विधायक हैं, सब एक साथ एक होकर उनको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने अभी कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं जो कहा हो किया नहीं। जो हमने कहा है, जो कमेंट किया, हमेशा वही डिलीवर करते हैं। हमारे उसमें कोई इफ और बट नहीं होता। और दूसरी बात ये रही कि हम चाहते हैं कि एक सुखद जो है लोकतंत्र मजबूत हो। अगर अगर राष्ट्रपति के पद पे एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो बीजेपी का ना हो, नॉन बीजेपी का हो, तो उससे लोकतंत्र को ताकत मिलेगी। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, एक विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज भी मजबूत होना, आगे निकलना बहुत जरूरी है। अधवारा साहब ने और जैनेन जी ने जिन लोगों को सपोर्ट किया, जिस प्रत्याशी को सपोर्ट किया है, आपको नहीं लगता कि उनसे लोकतंत्र मजबूत होगा? अब यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी रही होगी। हाँ। इसके बारे में अभी इनके प्रवक्ता ही इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दोनों ही हालात में कयामत है जिंदगी, एहसास से कम तरी हो या एहसास से बढ़तरी। अगर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, अगर पावर एक तरफा जा रही है तो वो सिस्टम के अंदर जो बैलेंस है, संतुलन, उसको बिगाड़ देती है। जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको, जिस तरह से लोगों के अधिकारों को लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है आप इस तरह की भाषा को नहीं बोल सकते, आप उस तरह की भाषा को नहीं बोल सकते, जबकि खुद हमारे प्रधानमंत्री जी 2013-2014 के इलेक्शन के दौरान अभी तक किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, सबको, सब पे जग जाहिर है। तो आप एक तरह से उस तरह के शब्दों को बदल के लोकसभा में, राज्यसभा में लोगों के बोलने के अधिकार को हनन कर रहे हैं। अब आपको नए शब्द बोलने पड़ेंगे। अगर हम किसी आदमी को कहें को धोखा दे रहा है, तो धोखा देना अमर्यादित शब्द कैसे हो सकता है? अगर पाकिस्तान जो है हमसे गद्दारी कर रहा है, तो पाकिस्तान को गद्दार कहना लोकसभा में कैसे अमर्यादित हो सकता है? गद्दार है, गद्दार कहा जाएगा उसको? तो जो लोग सत्ता की दलाली करें, उनको कैसे कहना गलत हो सकता है? वो सत्ता के दलाल हैं, उनको सत्ता का दलाल कहा जाएगा, चाहे जहां भी हो। तो आप एक तरह से चाह रहे हैं कि लोगों की आवाज को दबाया जा सके, लोग कुछ बोले ना, और सरकार लगातार मनमाने तरीके से जनता के ऊपर बोझ डालती रहे, जीएसटी बढ़ाती रहे। देखिए आटे के ऊपर जो कभी नहीं हुआ आज तक, हमारा स्वर्णिम साल चल रहा, 75 साल प्लेटिनम ईयर कहा जाता है इसको, उसमें आटे के ऊपर भी जीएसटी लगा दी गई है। 25 किलो का जो पैक आटा है, जो अनाज, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी जाएगी। लगातार सरकार महंगाई बढ़ा रही है, जीएसटी की इतनी बात कर रही है, लेकिन पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आ रही है। जहां अभी आपने देखा आईएमएफ की आई है एडवाइजरी कि आने वाले टाइम में 2022-2023 जो है बहुत फाइनेंशियली ख़राब होने वाला है, बहुत रिसेशन बहुत तगड़ा आने वाला है, सरकारों को तैयारी करनी चाहिए। कहते हैं विनाश काले पीड़ित बुद्धि, ऐसे समय में जहाँ अमरीका कह रहा है कि वो पेट्रोल पर टैक्स कम करेगा, नहीं लेगा, जहाँ स्पेन में ट्रेनों को फ्री दिया जा रहा है, ऐसे समय में सरकार जो है जनता पे बोझ कम करने के बड़ा बताए जो है बढ़ा रही है। ठीक है। और जब केजरीवाल जी कहते हैं तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। ठीक है, ठीक। अरे रेवड़ी बांटने के बाद भी दिल्ली का बजट प्रॉफिट में चल रहा है, और इतने सब करने के बाद भी देश का बजट जो घाटे में चल रहा है। ठीक सर, ठीक। आपने 11 लाख करोड़ का लोन जो है जीएसटी में फिर किसी दिन चर्चा कर दिया। तो ये सब उसी बात है कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो। ठीक है सर। जो भी आए राष्ट्रपति के पद चुन के, वो लोगों की बातों को समझे और जो हमारा संतुलन है लोकतंत्र का, उसको बैलेंस करे। ठीक, उसको बराबर करे। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से। दिवाकर जी, सबकी बातें आपने सुनी, 2-on-2 है, दो लोगों ने आप लोग के सपोर्ट में वोट दिया, दो लोगों ने सपोर्ट में वोट नहीं दिया है, क्या कहना है आपको? आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, भारत देश के राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय महत्व को जो समझेगा उसके साथ पूरा भारत देश रहेगा।
जहाँ तक बात है हमारे, अब तो महामहिम कह सकते हैं जो संकेत, अभी, अभी कह दिया तो संकेत मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं उसमें महामहिम कह सकते हैं जी। तो इसलिए हम संबोधन भी करेंगे, सम्मानित ढंग से ही करेंगे और सीधे नाम लेना थोड़ा सा नहीं रहेगा, क्योंकि अगले दो दिन बाद महामहिम से विभूषित होना ही होना है। अच्छा। इसलिए ऐसी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा कि विपक्ष के पास कोई मौका नहीं रह गया। निर्विकार, निर्विरोध, कोई आज तक किसी भी तरह का आरोप नहीं जिस पे हो, जिसकी आप जीवन शैली पढ़ें, जो संघर्ष से निकल के आई है, जो तब के निकल के आई है। मैंने तो पढ़ा नितिन जी, वो जब बच्ची जिस उम्र की होती है उस उम्र में उस बच्ची के साथ बैठ के इन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा दी, ऐसी परिस्थिति आ गई इनके साथ। उसके बाद टीचर की नौकरी की, उसके बाद पंचायत का चुनाव लड़ी, फिर विधानसभा में मेंबर हुई, मंत्री बनी, उसके बाद राज्यपाल रही, राज्यपाल के रूप में भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। तो ऐसे योग्य और ऐसे क्षेत्र से जिसको महामहिम हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये खोज कर सकती है। तो इन लोग ने उस खोज को क्यों नहीं आप लोग उतारा? आप बात सुनिए ना, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे होता ना, विरोध हमें करना है, इनके साथ के लोगों को विरोध, जिनको जिनकी अंतरात्मा जगी उन्होंने विरोध नहीं किया। अच्छा, मतलब कुछ आए हैं आपके पास? अंतरात्मा जगी, अरे आपके सामने साफ दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज जिनकी जगी। हर एक बहुत गर्व की बात होगी कि जी के एक आदिवासी समूह की सम्मानित, वो भी महिला वर्ग से ला करके महामहिम भारत का बनाना, जो भारत आज विश्व में चर्चित है, जहां भारत की हर बात किसी भी फोकस पे सुनी जाती है, विश्व की जो गरिमा आज है, विश्व की गरिमा में जो भारत का आज स्थान है, पहले भी था, हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं था, सारी चीजें हैं, जितने भी थे हमारे महामहिम रहे, सारी बातें थी, लेकिन आज की जो स्थिति है भारत की, कोई भी विश्व की कोई भी मीटिंग होती है, पिछली मीटिंग एक आपने देखा होगा जो आप लोगों ने प्रचारित किया, कि भारत के प्रेसिडेंट को अमेरिका के प्रेसिडेंट महोदय भी नोटिस ले रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ये अच्छा लगा, देश को पूरा अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। तो ऐसे स्थिति में जहाँ भारत पहुँच गया है, विश्व में एक स्थान रख रहा है, विश्व के स्थान में भारत के पहुँचाने में और एक महामहिम के रूप में, एक जो भी इनके पास था, जिसके राजनीति करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे करेंगे यहाँ से लाएंगे वहाँ से लाएंगे, सारी चीज़ों को खोज करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग अब महामहिम पद पर सुशोभित करने जा रहे हैं। इसके लिए पूरे देश को, भारतीय जनता पार्टी नहीं एनडीए को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे लोगों को भी तलाश करके खोज करके लाया जाता है, जिसकी जहां उपयोगिता होती है उनको उस उच्च पद पे, सर्वोच्च पद पे बैठाया जाएगा, और जो भी रहेगा देश सुरक्षित हाथों में है। देश के बारे में लोग चिंता न करें, ये लोग अपने बारे में चिंता करें कि इनके में कहां, पहले अपना घर तो संभाल लें, फिर देश की बात करें। अपना घर तो इनका तीन दिन बन रहा, तीन दिन बिगड़ रहा है, ये हाल है। और हमारे एक सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय, हम आपके टीवी डिबेट पे देख रहे हैं, राजा भैया जी का, उन्होंने बता दिया, उनसे पूछा गया कि क्यों आप वोट करने जा रहे हैं जसवंत सिन्हा जी, उन्होंने कोट किया, मैं नहीं कर रहा, उनकी बात आप सुने, कि जो 370 का विरोध करेगा उसके पक्ष में कैसे देश की जनता चाहेगी कि कोई वोट करे। भाई 370 हटना जरूरी था कि नहीं जरूरी था, कोई कह दे नहीं, लेकिन 370 का जो विरोध करे तो उसके प्रति कैसे अंतरात्मा उन लोगों की जगेगी। इसीलिए मैं नितिन जी कहूंगा, और बातों पे आज नहीं जाऊंगा, जो भाई साहब जोड़ रहे थे उस बातों की आज की चर्चा की नहीं है। खुशी के माहौल में कोई ऐसी बात की चर्चा ना हो जिसमें तलखी आए, और पूरे देश के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अंतरात्मा की इनकी आवाज एनडीए के उम्मीदवार की तरफ आई है। ठीक है, सुभाष यादव जी, मैं आऊंगा, सदी तक ही आऊंगा। सुभाष यादव जी, सबकी बातें आपने सुन ली, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन मजबूत है? देखिए, सब स्पष्ट हो चुका है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है 21 जुलाई को। जाहिर सी बात है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिवाकर जी ने बधाई दे ही दी, साथ ही साथ लगातार मैं भी बधाई दे ही देता हूं, क्योंकि सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। एक बधाई ये तारिक खान भी दे रहे थे, कुछ तारिक खान जी बधाई दे रहे थे, उसके ऊपर भी आऊंगा, पहले इस पर खत्म कर दूं। हाँ, ये अलग बात है कि शुरुआत के अंदर विपक्ष के पास अगर देखा जाए मतों का जो फीसदी होता है, उस हिसाब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए है, इनके पास 89% मत था जी।
यानी कहीं ना कहीं विपक्ष के पास 51% था और विपक्ष अगर पूरी तरीके से एकजुट होता तो आज जो तस्वीर दिख रही है, उभर कर आ रही है, ये तस्वीर कुछ और होती। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि उनका जो थिंक टैंक है उन्होंने बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला। नॉर्थ ईस्ट, भारत देश का पूर्वोत्तर जो राज्य आते हैं, जहां से चाहे वो मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, जो भी राज्य हो गए, वहां से आज तक देश के शीर्ष पद पे कोई पहुंचा नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खोला और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई उसी समय विपक्ष बैकफुट पे आ गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा करने के साथ साथ अपने कुनबे को तो एक किया ही किया, साथ ही साथ विपक्ष के कुनबे के अंदर सेन लगा दी, जिसका एक मजबूत कारण आप देख लीजिए और उदाहरण भी देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सरकार झारखंड के अंदर कांग्रेस के साथ में है, आरजेडी भी मिली हुई है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी खुले में समर्थन दे दिया। कई ऐसे दल हैं, बीजेडी जो समर्थन के अंदर आ गई थी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो पहली लड़ाई अपनी हार चुका था। आ रही थी अंतरात्मा की आवाज, मैं काफी देर से सुन रहा था सबकी बातें और मैं एलिगेशन नहीं लगाऊंगा लेकिन बोलूं, आज के जन प्रतिनिधियों में अंतरात्मा की आवाज बची कहां है? अंतरात्मा की आवाज को मार कर तो ये लोग सांसद विधायक बनते। अगर अंतरात्मा की अगर आवाज को देखी जाए तो भारत देश और इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर होता। ऐसा नहीं कि जो ऊंचाई भी बढ़ रही सरकार के अंदर, इससे भी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाता। तो अंतरात्मा की बात कोई कर रहा है, मुझे समझ में आता अंतरात्मा की आवाज कहां आ रही है। यहाँ पे तारिक खान साहब ने जो बोला था बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं उसी बात पर आना भी चाहूंगा। तीन विकल्प ये वास्तविकता है। जयनंद नरकवंशी जी ने बोला कि हमें सपा ने बुलाया नहीं इसलिए हम भाजपा के पास गए क्योंकि भाजपा ने हमें बुलाया और हमने वोट किया। 2000 जी बिल्कुल वही ना, डिनर पे बुलाया था। 2017 के अंदर सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री बने थे राजभर जी, एक साल के बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और 4 साल लगातार दबा के खूब विरोध किए। टीवी चैनल के माध्यम से देखा भी गया कि अपने बेटे की शादी के अंदर जब बारात आने वाली थी या जाने वाली थी, उन्होंने खुद फावड़े ले लेके अपनी रोड बनाई थी। तो ऐसा क्या दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि सिर्फ बुलाने और न बुलाने पर वो चले गए? अंतरात्मा की आवाज आई, यही चीज अंतरात्मा समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा था पिछले 4 सालों से, 4.5 सालों से, उस व्यक्ति के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पे मैं यही देख रहा हूँ कि हमें बुलाया नहीं गया इसलिए हम गए नहीं, यहाँ हमें बुलाया गया इसलिए हम चले गए। जो लॉजिक इन्होंने दिया है अभी, बुलाना और न बुलाना, बुलाना और न बुलाना, फिर विचारधारा कहाँ बची? ये तो फिर वही बात आ गई, भैया आप हमें बुलाओगे तो हम आपके साथ हैं, आप नहीं बुलाओगे तो हम आपके साथ नहीं है। यहाँ विचारधाराओं की बात ही नहीं आती है। समाजवाद की बात कर रहे थे सत्यजीत जी, अथवारा जी बता रहे थे कि सम्मान नहीं दिया आदरणीय शिवपाल जी यादव को, उनको सीट के डंडे के ऊपर बिठाया गया, सीटें बोली गई 5-10 बोलते बोलते एक सीट पे लेके आ गया। 2019 के पहले जो विवाद हुआ था, पारिवारिक विवाद, और उसके बाद में प्रसपा का जन्म हुआ, ये चीजें पहले भी हो चुकी है। उन भतीजे ने उसी चाचा को पहले भी सम्मान नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है ना कि भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घटती है नितिन जी, उसी को देखकर भविष्य को दुरुस्त किया जाता है। तो जब आपके साथ पहले भी सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि आप चले गए वहां पे? और अतवारा जी ने भी यही बात बोली, सम्मान की बात, सीट की बात, डंडे की बात, विचारधारा की बात नहीं बोली इन्होंने। अगर शिवपाल सिंह यादव जी को अखिलेश यादव अगर बुला लेते, अगर बुला लेते, सम्मान के साथ बिठा लेते, तो क्या अतवारा जी आज बोलेंगे इस बात को कि शिवपाल सिंह यादव द्रौपदी मुर्मू जी को वोट न करके यशवंत सिन्हा को वोट देते? क्या ये बोल सकते हैं इस चीज को? तो विचारधारा की लड़ाई तो मुझे दिख ही नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि दोनों लोगों ने एक ही शब्द बोला और सारे लोगों ने सुना कि बुलाया गया नहीं बुलाया गया, बुलाया गया होता तो गए होते, सम्मान नहीं मिला इसलिए नहीं गए। तो विचारधारा बची कहाँ? लोहियावाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, लोहिया तो हमेशा विरोध करते आए थे, विचारधारा की बात आपने की अतवारा जी? तो जब विचारधारा की लड़ाई आ गई तो सही बात है, मैं यहाँ पे मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन एज एक डिफेंस अगर देखा जाए स्टैंड, तो मैं तारिक खान जी का सपोर्ट करूंगा कि आपके पास तीन विकल्प थे, या तो आप चले जाते यशवंत सिन्हा जी के साथ में, या फिर आप उसके अंदर न्यूट्रल होकर बैठ जाते। विचारधारा की अगर लड़ाई थी आपको तो फिर मुर्मू जी के साथ में जाना ही नहीं था। तो विचारधारा की जो आप बात कर रहे हैं डिबेट के माध्यम से, तो विचारधारा की बात आप न करें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि विचारधारा की बात भाई नहीं आती। जवाब अतवारा साहब क्या कह रहे थे? आ रहा हूँ जनन जी, आ रहा हूँ। देखिए ये सुभाष भाई की बात पे मैं कहना चाहूंगा जी, जब विचारधारा की बात आती है तो क्या ये विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, संयुक्त प्रत्याशी जो हैं 1998 से 2012 तक, 2002 तक वित्त मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, 2002 से 2004 तक विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, 21 अप्रैल से 2018 से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है माने जाते थे। अब विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को अपना प्रत्याशी बनाया, क्या वहां विचारधारा जो है इनको मालूम होती है? मतलब सुभाष भाई से मैं जानना चाहूंगा
कि क्या विपक्ष ने विचारधारा की बात को माना? आपने अभी डिबेट के माध्यम से ये बोला कि विचारधारा की बात कर रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, क्या विपक्ष ने विचारधारा के आधार पे अपना, आप मुझे ये बताइए अगर शिवपाल सिंह यादव जी को अगर अखिलेश यादव बुला लिए होते तो क्या आप लोग द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जाते? सिंपल सा सवाल है अतवारा जी, सिंपल सा सवाल है। अखिलेश जी अगर बुलाते तो क्या आप द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं करते? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न यही है, प्रश्न यही है, प्रदेश की जनता भी यही पूछेगी, प्रश्न यही है। समाजवाद की बात, लोहियावाद की बात, जनेश्वर मिश्रा जी की बात, जयप्रकाश नारायण जी की बात करने वाले अगर विचारधारा की बात करते हैं बुलाने में क्यों भटक गए? अभी आप इकट्ठा बोलिए, आप सुनिए, क्या विपक्ष ने विचारधारा के आधार पर कैंडिडेट का चुनाव किया है? आप बताइए, अगर हाँ या नहीं, अगर विचारधारा के आधार पर कैंडिडेट का चुनाव किया गया होता तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी विचारधारा के आधार पर चुनाव वोट करते जो है, क्या हुआ है? लेकिन आपने ये तो नहीं बोला ना भी, आपने ये बोला कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें सम्मान नहीं दिया गया, हमें डंडे पे बिठाया गया। अभी आपने ये बोला, आपने ये नहीं बोला कि विपक्ष ने बैठ कर एक उम्मीदवार तय किया। जो आपने बोला उसी को मैंने काउंटर किया, मैंने अलग से कुछ नहीं बोला। सुभाष भाई आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिल रहा है, विरोध क्यों? क्या विरोध है आपका? विचारधारा की बात, मेरा विरोध नहीं द्वारा जी, शायद आपको पता नहीं होगा, जब उनके नाम की घोषणा हुई तभी मैंने बधाई दे दी थी, क्योंकि मुझे पहले से पता था वो जीत रही है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसी बात पे, आप खुद अपने सवालों के अंदर ही गोलमाल उलझ गए हैं, असहज हो गए हैं आप। अगर आदिवासी आज जो है मौके पे हमारे देश का सर्वोच्च पद पा रहा है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे दिक्कत क्यों हो गया त्वरा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने जिस दिन उनके नाम की घोषणा उसी दिन मैंने बधाई दे डाली, मतलब मैं आपको वीडियो लिंक भेज दूंगा उसके, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे दिक्कत नहीं हो रही, आप जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधारा कहाँ गई आपकी? विचारधारा सत्यजीत जी, विचारधारा समाजवाद की विचारधारा, लोहिया की विचारधारा, ना ना ना, सवाल को डक मत करिए, सवाल को डक नहीं करेंगे आप। विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, बार बार विचारधारा की बात करते हैं, अब लोहिया जी की बात करते हैं, अब जनेश्वर मिश्रा जी की बात करते हैं, अब जनेश नारायण की बात करते हैं, आखिर में आपकी विचारधारा कहाँ गई? विचारधारा की अगर बात करते तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर विचारधारा की लड़ाई होती तो आप न्यूट्रल बैठ जाते, लेकिन यहाँ विचारधारा की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं नहीं, आप अपने सवाल को खुद ही, ठीक है तुम्हारा सर, एक चीज मैं कहूंगा नितिन, हाँ, जी, नितिन जी, जी, एक बात जी, एक बात सुभाष जी की बात का उत्तर मैं दूंगा सिर्फ दो लाइन। अरवंशी साहब आ रहा है उसके बाद, कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, तो ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमारी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहावतें हो गई ना, छोड़ दे कोशिश इंसान को पहचानने की, यहां जरूरतों के हिसाब से बदलते नकाब है, अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है, पत्रकार महोदय की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बाबा साहब का जो विचार थे उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और दलित पिछड़े वंचित हों, शोषित हों या आदिवासी समाज के हों, वो एक सर्वोच्च पद पर जा रही है महिला। दूसरी चीज, मैं इस वजह से भी सहमत नहीं हूँ कि कल को तो हमारे पत्रकार महोदय ये कहेंगे कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी रिपोर्ट जाती है, किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है उसके बेस पर तो सरकार उनको बना देती है। कल को ये कहेंगे स्वायत्त संस्थाएं जितनी हैं उनके जो हेड बनाए जाते हैं वो भाजपा, कांग्रेस और एक मुख्य न्यायाधीश मिलके बना देते हैं। भैया, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है जिस पर व्हिप भी लागू नहीं होता है, एक ही पार्टी में 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो एक ही पार्टी में 10 लोगों को अलग अलग वोट दे सकते हैं। वो इसी वजह से इस तरह की व्हिप ना लागू करने की चीज बनाई गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर किसी विचारधारा से मतलब नहीं है, वो एक स्वायत्त पद है, देश के प्रथम नागरिक का पद है, तो आप जनता को गुमराह मत कीजिए यहाँ पर। जवाब जी, मैं आ रहा हूँ आपकी सवालों पे, नितिन जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो गुमराह की बात की, जनेंद्र बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अतवारा जी आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों जन को बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे गुमराह करने वाली बात, अब मैं बता देता हूँ, 7 या 8 तारीख को नितिन शाह डिनर पे बुलाया गया तो द्रौपदी मुर्मू जी लखनऊ के अंदर आई थी, ठीक। उसके अगले दिन डिनर के बाद में सारे पत्रकार उनके पास पहुंचे थे, राजभर जी के पास, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बैठक की, उन्होंने मालूम क्या बोला था कि 11 को या 12 को मैं घोषणा करूंगा, लेकिन उसके पहले अगर अखिलेश जी से मिलने का प्रयास करूंगा, अखिलेश जी जहां बोलेंगे हम वहीं वोट करेंगे,
जैनेन्द्र अकुंशी जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था, सुनिए नहीं नहीं सुनिए, आप जो गुमराह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, आप गुमराह कर रहे हैं, आप मेरी पार्टी का पहले विचार सुन लीजिए, आप मुझे बताइए कि 4 साल 5 साल आप विपक्ष के अंदर थे, मंत्री बनने के बाद मेरी पार्टी का विचार सुन लीजिए, राजभर जिन मुद्दों के ऊपर अलग हुए थे क्या वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए? पत्रकार महोदय आप मेरी बात नहीं सुनेंगे या मेरी पार्टी की तरफ से आप ही बोलेंगे? बात करते हो आप, मुझे बताइए ना कहां गए आपके 7 तारीख को डिनर, 8 तारीख को डिनर, 11 को आप बोलते हैं कि 12 तारीख को हम कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे और अखिलेश जी बुलाएंगे तो हम यशवंत सिन्हा जी के साथ में रहेंगे, ये आपके सुप्रीमो का वर्ड नहीं है। YouTube पे लिंक मिलेगा, उसको फिर से देखिएगा, उसको देखने के बाद बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, और आज आप बोल रहे हो कि पत्रकार महोदय मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज भी मेरी इको हो रही है, इस वजह से मुझे बोलने में दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जैनन जी क्या जवाब दे रहे, क्योंकि मेरी आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम सहयोगी दल के साथ हैं, गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, लेकिन 12 तारीख को हम विधायक दल की मीटिंग बुला रहे हैं, अगर उससे पहले अखिलेश जी बुलाते हैं तो बिल्कुल जाएंगे। तो पहली चीज तो ये क्लियर है, हम उनके साथ जाने को तैयार थे, उन्होंने बुलाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने जो बताई, जो मिसगाइड कर रहे थे कि विचारधारा है ही नहीं, भैया विचारधारा की वजह से ही आप एक ग्राम प्रधान को बोलेंगे ना, या मैं आपसे कहूँ कि विचारधारा के नाम पर आपने नौकरी छोड़ दीजिए तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और विचारधारा आपकी नहीं मिली थी, आप बीजेपी से अलग हो गए थे। आपके बीच में बोल रहा था क्या मैं? अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ विचारधारा आपकी नहीं मिली थी, आप बीजेपी से अलग हो गए थे, फिर बाद में विचारधारा, बात विचारधारा की नहीं थी, बात थी उस विचारधारा को लेके चलने की, विचारधारा चलती रहती है, जहाँ सड़क दोनों मिलती है बस वहीं कमाई हो जाती है। एक विचारधारा है, एक काम करवाना है, तो हमारे जो काम नहीं हो रहे थे विचारधारा को लेकर, जो रिजर्वेशन में हो रहे थे इसीलिए समर्थन दे दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है जनेंद्र जी, बहुत सही बहुत सही बहुत बिल्कुल सही। बिल्कुल सुनिए सुनिए, क्या काम नहीं हो रहे थे वो भी मैं बता देता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, धैर्य रखिए। एक 200 मीटर की सड़क बनवानी थी, उसके लिए 10 बार चिट्ठी लिखी गई, एक हमारे नेताजी के कहने पर राघवेंद्र समिति बनाई गई जो पिछड़े वर्ग में 3 भागों में विभाजन करने के लिए था, और उसकी संस्कृति भी आई थी कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है 7, 9 और 11 के अनुपात में, और वो रिपोर्ट लागू नहीं हो रही थी, इस वजह से ये दो वो मुख्य काम थे, शराबबंदी का था, बिजली बिल माफी का था, बहुत सारे ऐसे काम थे जिन पर सरकार हमारे साथ नहीं थी और अलग दूर दूर भाग रही थी, जबकि गठबंधन होने से पहले ही ये सारी शर्तें लागू हो गई थी और सारी शर्तों पर सहमति बन गई थी। ये वाले काम नहीं हो रहे थे, आप जो सोचते हैं ना, जो आप करते हैं पत्रकारिता के नाम पर, वो वाले काम नहीं कह रहा हूँ मैं, चालू करके देखिएगा, पत्रकार मेरे नाम के नीचे नहीं लिखा, पहली बात तो ठीक है ठीक है, नहीं मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्रकार बताया गया तो पत्रकार मैं कह रहा हूँ। आपने अपने मुंह से इस टीवी चैनल के माध्यम से एक स्वीकार किया है कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, उन काम करवाने के लिए बता दिया कौन से काम नहीं हो रहे थे, मैंने बता दिया कौन से काम नहीं हो रहे, जनता जानती है आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला था, सुनिएगा उसको, जनता जानती है, जनता जान रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से काम नहीं हो रहे थे और आप क्या बताना चाह रहे हैं जनता को, जनता सब जानती है। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज ठीक है ठीक है, चार विधायक जीत के आए, जनता को पता है हम उसके साथ सरकार में भी आएंगे। ठीक है मैं आऊंगा। तारिक खान आप क्या बीच में कह रहे थे कि मैं कुछ बोल दूंगा तो भी बुरा लग जाएगा, क्या कहना चाहते? देखिए सुन तो लीजिए, नहीं नहीं आप वो बात नहीं कहूंगा, बड़े भाई हमारे आपको बुरा लग जाता है बार बार, मैं ये कह रहा हूँ नितिन भाई, देखिए हम लोगों का पॉलिटिकल और हम लोगों का स्तर कितना नीचे चला गया है, मेरी बहुत उम्र नहीं है लेकिन हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि मुर्मू जी का जो जीवन का संघर्ष है मैंने पढ़ा, वो सम्मान देने लायक है, दिल की गहराइयों से सम्मान दे रहा हूँ, बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल ये मेरे अंदर है हिम्मत, दिल की गहराइयों से उनका सम्मान है, वो उनका जो संघर्ष है वो सम्मानजनक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि नारायण साहब कौन थे जो प्रेसिडेंट बने थे, क्या वो पिछले समाज से नहीं आते थे, जहां से आपने कहा कि क्या ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है भाई, नारायण साहब भी ऐसे ही थे, नहीं एसटी, वो एससी थे, ये एसटी है, सुन लीजिए, अरे भाई वो एससी थे, वो एससी थे, आदिवासी समाज से कोई भी पहली बार, आदिवासी समाज में संथाल समुदाय की पहली महिला प्रधानमंत्री, संथाल समाज की पहली महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति,
इनको ज्यादातर एक साथ ही रखा जाता है, वो भी अनुसूचित जाति के ही थे, ये जनजाति है, मान रहा हूँ मैं, ये बात मैं जानता हूँ। कौन अनुसूचित जात का था और इसके पहले कौन अनुसूचित जात? नारायण, नारायण साहब किस जात के थे? अरे क्या बात करते हैं, पीए संगमा 2012 में चुनाव लड़े थे, वो जो है अनुसूचित जनजाति थे, चुनाव हारे थे, गारो जात के थे, वो गारो जात से आते थे। आप अध्ययन कीजिए भाई साहब, आप सपा का नेतृत्व कर रहे हैं, आप बगैर अध्ययन के बैठ जाते हैं, कैसे बात करेंगे आप भाई, इस तरह कैसे बात करेंगे? पीए संगमा 2012 में चुनाव लड़े थे, प्रणव मुखर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, गारो जनजात से आते थे। केआर नारायण की बात कर रहे हैं, सत्यजीत जी राष्ट्रपति थे। केआर नारायण की बात है, अनुसूचित जनजाति की पहली महिला प्रत्याशी है, क्यों ना लाए? वो समाज वंचित नहीं था, वो समाज वंचित नहीं था, क्यों ना लाए उनकी बात? क्या ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है जो आप क्रेडिट दिलवाना चाहते हैं बीजेपी को? मतलब आप महिला प्रत्याशी के नाम पर आपको विरोध है, मतलब आप नहीं चाहते कि भारत देश की सबसे पहली महिला प्रत्याशी का समर्थन, इसका मतलब ये लोग, तो अगर सिर्फ महिला की बात है, महिला तो पहले भी बन चुकी है, नहीं बिल्कुल नहीं विरोध रखती है, तो क्यों ऐसी आप बात कर रहे हैं? क्यों अनुसूचित जनजाति की महिला का बिल्कुल नेतृत्व जाना है मुझे, आप बात समझिए, महिला का विरोध, बात को दूसरी तरफ ना ले जाइए, देखिए बात को दूसरी तरफ ना ले जाइए, देखिए आप बहुत निपुण हैं इस काम में, मैं जानता हूँ, खैर मैं ये कह रहा हूँ, निपुण होते तो आप साथ होते, निपुण तो आप हैं कि हम लोगों को भगा दिए। ठीक है चलिए, मुबारकबाद फिर से दूं क्या? ठीक है निपुण तो आप हैं। ठीक है तारिक भाई, बात जल्दी से पूरी कीजिए, समय भी थोड़ा कम है, थोड़ा आगे। मैं ये कह रहा हूँ नितिन भाई, समय कम है नितिन भाई, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सम्मान देना भी सीखना चाहिए, मुर्मू जी का जो संघर्ष है वो सम्मान देने लायक है, मैं ये बात बिल्कुल पूरी तरह साहब वही तो कह रहे कि आप लोगों ने सम्मान देना नहीं सीखा, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये है कि हम आपको अखिलेश को ही बताना चाहिए था ये बात, सम्मान के साथ वोट भी देना चाहिए था आपको। देखिए सम्मान सब्जी साहब ने दे दिया, आपके नितिन भाई इसका कहां चला गया है कि टीवी चैनल पर बैठकर एक महिला को मैं सम्मान भी नहीं दे सकता, उनके संघर्ष को यह भी नहीं कह सकता कि वो संघर्ष सम्मानजनक है, क्योंकि मेरी पार्टी में खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। ठीक है प्लीज, ठीक है हो गया भाई, हो गया, आप सीखिए भी इस चीज को, सीखिए भी भाई, हो गया आप लोग, हां सही तक की क्या कहते हैं, देखिए राष्ट्रपति बिल्कुल आपसे सीखना पड़ेगा, ठीक है सत्ता पक्ष का विपक्ष के सीखने की उम्र नहीं होती, आपने अभी कहा था ये बात गलत थी कि आपने, ठीक है हो गया भाई, हम यहाँ पर बैठकर शिवपाल साहब के बात बारे में नहीं कह सकते, अगर विचारधारा बदलेगी तो कोई भी आदमी उस पर सवाल उठा सकता है, मैं क्यों कौन, ठीक है हो गया आप लोग का, हाँ तकी साहब मैं कह रहा हूँ देश में राष्ट्रपति का चुनाव है, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ने अपने कैंडिडेट डाले हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हो चाहे यशवंत सिन्हा जी हो, सबका सम्मान है, अलग अलग पदों पर रहे, सबने जीवन में संघर्ष किया है, 137 करोड़ भारतवासियों ने सबकी जिंदगी में संघर्ष है, सबके संघर्ष को सैल्यूट है, सबके संघर्ष को सलाम है, जो भी बनेगा राष्ट्रपति उसको मैं हार्दिक शुभकामनाएं अभी से देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या जो हमारे राष्ट्रपति बनेंगे वो राष्ट्रपति जनता को वो अधिकार दिला पाएंगे जिसके लिए उनको चुना गया है, क्या वो काम कर पाएंगे, जो पिछड़ी जातियां हैं आदिवासी जातियां हैं, क्या जो आदिवासियों जातियों का जो दोहन किया जा रहा है, वहाँ जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ खनिज निकाले जा रहे हैं, क्या उस पर रोक लगाई जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को रोक पाएगी जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, वहां से कॉपर निकालने स्टरलाइट वाला आपने कांड देखा था जिसमें गोली चली 10 लोगों की, वहां उनकी जान चली गई थी, तो क्या इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी, क्या इनको रोका जाएगा, क्या आदिवासियों के अधिकारों को जगाया जाएगा, क्या आदिवासियों तक सड़क जाएगी, क्या उनको शिक्षा मिलेगी, क्या उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, क्या उनको एयरलिफ्ट कराया जाएगा, क्या वहाँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल फोर्सेज जो वहाँ पे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा और आदिवासियों को अधिकार ज्यादा दिया जाएगा, क्या ये सब बातें होंगी, ये अहम सवाल है, ठीक जवाब लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने, और देश जाना जाता है, और देश ये भी जाना जाता है, बहुत से लोग ये जाना जाते हैं कि जो भी बंदा हो, जो भी सेलेक्ट होकर आएगा वो अपना कार्य कर पाएगा, बोलिए 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 जल्दी से बोलिए दिवाकर जी के पास, एक मिनट मुझे 30 सेकंड चाहिए सिर्फ, 30 सेकंड कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मगर वैसे ही मिलेगा जैसे रामनाथ कोविंद साहब के बनने के बाद एससी समाज, खान साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या वो व्यक्ति जो आ रहा है
सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, एक पिक्चर है जिसको प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या सिर्फ लोग यही जाना था कि वो सिर्फ स्टैम्प पेपर स्टैम्प बन के रह जाएंगे? क्या वो उनको स्वतंत्रता दी जाएगी कि अपने अधिकार के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होते हुए कोई भी आदिवासी जो है प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसको परेशान नहीं किया जाएगा, उसके अधिकार उसको दिए जाएंगे, उसके लिए बात की जाएगी? ठीक, दिवाकर जी जवाब दीजिए। जवाब लायक इनके प्रश्न नहीं है, आप प्रवक्ता के प्रश्न जवाब लायक नहीं है, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, बोला जवाब दे, यही तो परेशानी। आप प्रश्नों से भागते हैं, लोकतंत्र वगैरह जवाब, इसमें क्या गलत जवाब दिया मैंने? राष्ट्रपति की तो चले जाएंगे जीएसटी पे, जब बात महामहिम की आएगी। अरे आप कह रहे हैं देश का गौरव बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी देश का गौरव बना रहे हैं, वह फॉरेन में कोई इज्जत मिल रही है। आज से पहले मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, आज से पहले भारत में, आज से पहले भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया गया? बाहर राजीव गांधी के लिए छाता लेके आए थे राष्ट्रपति वहां अमरीका के, सबने देखा। आप कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया जा रहा है? कैसे पहले 70 साल में सम्मानित लोग प्रधानमंत्री नहीं बने देश में? ठीक, जवाब ले ले, जवाब ले, जवाब ले, जवाब ले, भाषा चले, जवाब ले, समय कम है, जवाब ले ले दिवाकर जी। भारत ने एक से एक बढ़कर सम्मानित प्रधानमंत्री को दिया है देश को और पूरे विदेश को, जवाब ले ले, जवाब ले ले, सम्मान पूरे विश्व ने दिया, जवाब ले ले, जवाब ले ले दिवाकर जी। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो गया सर, मोदी हो, चंद्र गांधी, समय कम है, दिवाकर जी। इनके पास छाओ छाओ एक शब्द होता भोजपुरी में, छाओ छाओ। अरे आप जवाब नहीं दे पा रहे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। पॉइंट मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। क्या आप राष्ट्रपति को अधिकार देंगे पूरा कार्य करने का? क्या आदिवासियों के अधिकारों का? ठीक है, जवाब तो दे लीजिए उनको, जवाब का दे रहे फिर खत्म करूंगा। संविधान को इनको जानकारी अगर नहीं है, संविधान सभी सबसे ज्यादा संवैधानिक काम आप लोगों ने किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको, आप गलत बात कर रहे हैं, चुप कैसे रहे आप? सुनिए, मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी, क्यों सुनूंगा आपकी? मैं विपक्ष का आदमी हूँ, आप मेरी बात जवाब दीजिए, जवाब दे नहीं पा रहे, उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं। सुनिए, संविधानिक पद है, संविधानिक सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च अधिकार है, इनको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं। और कहीं किसी के पद पे किसी का अधिकार रोकने का नहीं है, केवल सर्वोच्च पद है जो प्रधानमंत्री के भी सलाह को माने या न माने, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति के पास जब जिस दिन राष्ट्रपति हमारी महोदया चली जाएंगी, चुन के बैठेंगी, उनके पास संविधानिक अधिकार पूरे भारत का है, इनको पता। जो भी निर्णय देश हित में होगा उन्हीं की तरफ जनता आस लगा के देखेगी। जब कोई भी बात नहीं समझ में आएगी तो सर्वोच्च पद की तरफ ही जनता की निगाह रहेगी, वहीं से न्याय की उम्मीद होगी। और जितनी बातें कह रहे हैं कि देंगे लेंगे देंगे लेंगे, अरे देने के लिए तो वो सर्वोच्च पद पर बैठेंगी, वो राय देंगी, वो सलाह देंगी। इनको तो पता होना चाहिए कि हम किसके ऊपर आक्षेप लगाने जा रहे हैं, कौन सवाल पूछ रहे हैं। अरे लोकतंत्र में सवाल को आप आक्षेप समझते हैं? सुनिए सुनिए, आपकी सवाल, यही तो परेशानी है, आपके संबंध की बात करते हैं लोगों के, सवाल के सस्ती लोकप्रियता को देख, सस्ती लोकप्रियता तो आप प्रकरण होने के बाद सुनिए महोदय, सस्ती लुलु मॉल में आपने 18 सेकंड की नमाज पढ़ी, उसमें आपने लोकप्रियता करने ले रहे हैं। लुलु मॉल का रिंग में आ नहीं रहे, भाग रहे हैं, रिंग में आइए ना, भाग क्यों रहे हैं? आपके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो हमारे महामहिम जो होने जा रही है उनके सामने खड़ा हो। पता है किस पैमाने पे खरी नहीं उतर रही है? शोषित समाज जिनकी चर्चा करते हैं, दलित समाज जिनकी चर्चा करते हैं, आदिवासी समाज जिनकी चर्चा करते हैं, जहां से कभी नहीं आए थे लोग निकल के, उड़ीसा से, पूर्वोत्तर से, वहां से निकल करके सर्वोच्च पद पर बैठाया गया, और ये कैसे कह दी उनकी योग्यता पे लांछन लगा रहे हैं? इनके ऊपर क्या होना चाहिए? इनकी मैं योग्यता पे लांछन नहीं लगा रहा हूं, नहीं आप मैंने उनका सम्मान किया, मैंने अभी का सम्मान किया उनका, आप रबर जनता ये पूछना चाह रही, जनता का सवाल है, बैठेंगे कार्य करेंगे, कार्यशैली देख के तब जनता पूछेगी कि वो स्टंप है कि राष्ट्रपति। और स्टंप आपके समय में ज्ञानी जैल सिंह को बैठाया गया था, पूरी पूरा देश जानता है कि आप स्टंप समझ के बैठाए थे, और ज्ञानी जैल सिंह ने अपना पावर दिखा दिया। कोई स्टंप नहीं होता है, अधिकार होता है, अधिकार का सारे लोग भारत के नागरिक है, सर्वोच्च पद पर बैठेंगे। अब पूरे गरिमामयी ढंग से हम लोग उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरे गरिमामयी जितना उच्च पद है उस पद के हिसाब से उनका निर्णय पूरे देश के लिए सराहनीय होगा, पूरे देश के हित में होगा, और पूरे देश को इस पे खुशी मनानी चाहिए। आज खुशी का माहौल है कि एक ऐसी आदिवासी, ठीक सर, हो गया, हो गया, सुभाष जी 30 सेकंड बाद, हो गया प्लीज, हो गया, समय बहुत कम है सुभाष जी, 30 सेकंड मनानी चाहिए, 30 सेकंड बोले खत्म करिए। तारीफ करता हूँ तारीफ खान साहब की, उन्होंने तारीफ खान ने जो कह दिया कि ऐसे, हां वो मानते हैं, वो मानते हैं, उनकी तारीफ तो ठीक सर, ठीक सर, हां हो गई तारीफ, सुभाष जी
तीस सेकंड बात पूरी कीजिए। यहाँ पे मैं शायद मोहम्मद तकी साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद होता है, हमारे देश का मालिक होता है वो, तो उनके पास बहुत सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं, तो इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाना या उनसे सवाल पूछना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाऊंगा क्योंकि यहाँ सारे लोग हिमायती बन रहे थे, जल्दी से। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू को शायद मुझसे ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र बालासोर था और उसका अधिकांश हिस्सा मयूरभंज जिले के अंदर आता था, और मयूरभंज जिला वो है जहाँ से द्रौपदी मुर्मू ताल्लुक रखती है, और वो जिला इतना पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन आज तक वहां पर रोड और सड़कें अभी भी नहीं बनी है, जबकि इसके पहले विधायक रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, जिसके पहले उड़ीसा के अंदर वो जब सरकार थी भाजपा की और बीजेडी की तो मिनिस्टर भी रह चुकी, लेकिन वो विकास हो नहीं पाया। तो ये प्रश्न मेरा यहाँ चिन्ह रहेगा, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, कि क्या राष्ट्रपति होने के बाद में आदिवासियों का भला हो पाएगा? ठीक ठीक, धन्यवाद 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 आप सभी मानों का, ठीक है, थैंक यू प्लीज, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद भाई, हो गया आप लोगों का, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, धन्यवाद भाई, समय कम है मेरे पास, खत्म करना है मुझे, ठीक है ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है, नतीजे 21 तारीख को आ जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि सवाल कई सारे हैं, उन सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।